ठीक है, वो एम्पियर्स लॉ को यूज़ करके कुछ फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फाइंड करते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करते हैं ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इन्फाइनाइट वायर है ये, इन्फाइनाइट ऊपर भी इन्फाइनाइट है नीचे भी इन्फाइनाइट, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है आई। और इस वायर से यहाँ से मान लिया डी डिस्टेंस पे, यहाँ से मान लिया डी डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। ठीक है, तो सिंस ये वायर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है, तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो इनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, किस डायरेक्शन में होना चाहिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इसका टॉप व्यू देखें, ठीक है, अगर इस वायर का टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू में कुछ ऐसा देखेगा कि जो वायर है उसमें करंट, टॉप व्यू टॉप से देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा करंट बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, करंट कहाँ आ रही है? आई जो करंट है वो कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। और जब करंट बाहर की तरफ आती है तो इसकी वजह से जो इसके अराउंड मैग्नेट फील्ड होगा, करंट आउटवर्ड से तो मैग्नेट फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेट फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो इस तरफ होगी मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन, अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो मैग्नेट फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी इस करंट की वजह से वो कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और हमें इस करंट से कितनी डिस्टेंस पे निकालना है? डी डिस्टेंस पे। तो ये डी डिस्टेंस है आपकी। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तो हम पहले लूप कंसिडर करेंगे इसमें। ठीक है, समझ में ये आपको आना चाहिए कि इस करंट से अगर डी डिस्टेंस पर मैग्नेट फील्ड बी है तो इस तरफ भी अगर आप डी डिस्टेंस पे जाओगे तो मैग्नेट फील्ड कितना होगा? बी, डायरेक्शन बस अलग है। ऐसे ही इस वायर से अगर इस तरफ आप डी डिस्टेंस पाओगे तो भी मैग्नेट फील्ड कितना होगा? बी, और इस तरफ भी मैग्नेट फील्ड कितना होगा? बी। ठीक है, तो इस सर्किल को हम लूप की तरह लेते हैं और इस लूप के ऊपर मैग्नेट फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे बी डॉट डी एल, और वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, जो लूप की डायरेक्शन होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो आप देखो ये इंटीग्रेशन कितना होगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो जो वेक्टर डीएल की डायरेक्शन है, स्मॉल वेक्टर अगर आप इस लूप में कंसीडर करोगे तो जो वेक्टर डीएल की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बी की है। जो वेक्टर डीएल की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बी की है। ठीक है, हम कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा? सीधे सीधे इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई की जगह आई लिखेंगे, पॉजिटिव आई लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक जो लूप लिया वो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, और करंट कहाँ है आपकी? आउटवर्ड्स। जब करंट आउटवर्ड्स होती है तो एंटी क्लॉकवाइज लूप लेने पे करंट कैसी मानेंगे हम? पॉजिटिव। तो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा? एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, वी का जो मैग्नीट्यूड है वो पूरे लूप में कॉन्स्टेंट है, तो बी बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ इंटीग्रेशन डी एल, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई, बी आपको फाइंड करना है। ये इंटीग्रेशन डी एल कितना होगा? तो आप ढंग से देखो इसको, अगर ये डी एल डी एल डी एल डी एल करके ऐड करते जाओगे सारे लूप पे तो ये बन जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? तो 2 पाई आर, आर कितना है इसका? डी के बराबर। तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, आर कितना है आपका? डी के बराबर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेट फील्ड कितना हो गया इन्फाइनाइट वायर का? तो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जिसको हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है और इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, करंट कुछ करंट फ्लो हो रही है आई, और ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, ये जो डॉटेड पार्ट है ये लूप का अंदर वाला हिस्सा है, और ये जो सॉलिड पार्ट है ये लूप का बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, लूप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लूप है ये। ठीक है, आधा पार्ट लूप का अंदर है और ये आधा पार्ट ये प्लेन के बाहर की तरफ है। ये वाला डॉटेड पार्ट प्लेन के अंदर है, इस स्क्रीन के प्लेन के अंदर है ये डॉटेड पार्ट, और ये डार्क वाला पार्ट, ये जो सॉलिड पार्ट है ये स्क्रीन के प्लेन के बाहर है। ठीक है, और ये लूप की एक्सिस है, और एक्सिस पे कुछ एक्स डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर? और लूप में करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा एलिमेंट कट कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है, करंट एलिमेंट, और वो मान लिया यहाँ कट किया, ये है स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट कट किया है, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ मान लिया है डी एल, तो ये करंट एलिमेंट होगा आई इंटू डी एल, ये करंट एलिमेंट है। और इस एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा जब आप वो एलिमेंट कंसीडर करोगे, तो ये जो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। तो ये क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेट फील्ड फाइंड करना, उस पॉइंट को किससे ज्वाइन करता है, करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट। ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ और आपको समझ में आनी चाहिए, इस करंट एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये 3D का कंसेप्ट है, 3D में आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये जो एंगल होगा, ये करंट एलिमेंट IDL और ये पोजीशन वेक्टर R, ये पोजीशन वेक्टर जो R है, इसके बीच में ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेट फील्ड कितना होगा, तो वो जो मैग्नेट फील्ड होगा DB अगर उसको कहें, तो वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट एलिमेंट IDL इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है आपका एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, तो वो है आपका π/2 अपॉन पोजीशन वेक्टर R का स्क्वायर। ये हो गया DB। ठीक है, DB की डायरेक्शन समझो आप। ठीक है, तो ये हमें पता है जो DB वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि करंट एलिमेंट IDL क्रॉस पोजीशन वेक्टर R की डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है, थोड़ा ध्यान लगा के, कि DB की डायरेक्शन वही है जो IDL क्रॉस R की डायरेक्शन है। ठीक है, और IDL क्रॉस DB किसके बराबर है, DB की डायरेक्शन वही है जो IDL क्रॉस R की डायरेक्शन। इसका मतलब जो DB वेक्टर होगा वो IDL वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और R वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, जो A क्रॉस B होता है वेक्टर, जो A क्रॉस B वेक्टर होता है वो A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जो DB है वो है IDL क्रॉस R के की डायरेक्शन में, DB की डायरेक्शन। इसका मतलब जो DB की डायरेक्शन होगी वो IDL इसके भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इसके भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन ये आ रही है, ये आपको ढंग से समझना, ये कैसे आई DB की डायरेक्शन। एक चीज आपको क्लियर है, DB R के परपेंडिकुलर है, DB और R के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो R के तो परपेंडिकुलर हो गया। और जरा देखो, DB को अगर उठा के हम यहाँ बनाएंगे तो DB किसके किसके और परपेंडिकुलर होगा, IDL के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, DB को देखो क्या वो R के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल R के परपेंडिकुलर है। DB को उठा के यहाँ पे लगाओ, इस तरफ आएगा, तो ये जो डायरेक्शन है वो जो IDL वेक्टर है इसके भी क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो DB की डायरेक्शन ये हो जाएगी, अगर ये माने एंगल कुछ अल्फा, तो अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर यहाँ बनाएंगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, अल्फा। ये आपको खुद से समझ लेना है, ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 है टोटल, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90 है, वो आपको खुद से समझ लेना है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो DB के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इस तरफ DB कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट सामने की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा DB साइन अल्फा। ठीक है, क्लियर। अब जरा देखना इनमें से कौन सा सरवाइव करेगा, जैसे ऊपर एलिमेंट है वैसे एक एलिमेंट यहाँ नीचे भी मिलेगा, और इस नीचे वाले एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेट फील्ड आएगा वो कहीं इस तरफ आएगा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो DB cos अल्फा, DB cos अल्फा कैंसिल कर देगा, और सिर्फ क्या सर्वाइव कर जाएगा, ये DB साइन अल्फा सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन DB साइन अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा के कंपोनेंट्स, कॉस अल्फा वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कौन से बचेंगे, साइन अल्फा वाले कंपोनेंट। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, अब इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स बाद में पुट करेंगे, पहले वैल्यूज पुट करते हैं। तो DB कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन π/2 1 हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा, तो आर स्क्वायर होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिना कुछ गड़बड़ किए आर स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है, तो जरा देखो इसमें ढंग से, साइन अल्फा कितना है, तो साइन अल्फा होगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन अल्फा हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है ये साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा देखो इस ट्राइंगल में, ये अल्फा है साइन अल्फा, परपेंडिकुलर क्या, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, आर क्या है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये। तो बस अब आपको नेट मैग्नेट फील्ड निकालना है, तो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख देते हैं, बाकी इंटीग्रेट कर देंगे। तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचा DL। ठीक है, DL को इंटीग्रेट करना है, तो जरा ढंग से देखो, DL ये सर्कल का इस लूप का छोटा सा पार्ट है, DL 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 DL, अगर आप पूरा इंटीग्रेट करते चले जाओगे तो पूरा लूप कंप्लीट होगा, तो वो क्या बन जाएगा, 2 पाई है।
सरकमफेरेंस बन जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा आपका 2 पाई a। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डीएल डीएल को, तो ये बन जाएगा आपका, ये पूरा इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 2 पाई a। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स बच जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, क्लियर, जस्टिफाई कर लेते हैं ये हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो आप समझो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो किसी भी लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, हमारा आर जो इस केस में जो रेडियस है वो ए के बराबर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 है। ठीक है, तो आपको अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, लूप के सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इतना आना चाहिए। जरा देखते हैं सेंटर पे कितना होगा, बी सी कह देते हैं, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल करेंगे तो एक ए बच जाएगा, तो वही आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 है। क्लियर, ठीक है। और एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इफ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए, मतलब जो पॉइंट है, ये लूप है, लूप से जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, एक्स बहुत बहुत ज्यादा है ए से, तो ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो क्या बन जाएगा अपॉन 2 x³। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दूर, एट इनफाइनाइट कह सकते हैं, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं कहना चाहिए, मतलब काफी ज्यादा दूर, जब एक्स ए से क्या हो, काफी ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर है। एक काम और आप भी कर सकते हो इसमें, अगर आपको मैग्नेट फील्ड निकाल रहा हूं कि मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम सेंटर पर ही होगा। ठीक है, आप नहीं तो आप ऐसा कर भी सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो और फिर फाइंड कर सकते हो कि एक्स की किस पोजीशन के लिए मैग्नेट फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आएगी एक्स इक्वल टू 0, यानी सेंटर पर मैग्नेट फील्ड क्या होगा, 0। सेंटर से जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाओगे मैग्नेट फील्ड घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ठीक है, एक स्ट्रेट सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे उसके बाहर और अंदर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सोलेनॉइड बनाई हुई है, सोलेनॉइड में बहुत सारे लूप्स होते हैं और करंट फ्लो करा रहे हैं सोलेनॉइड्स में, तो मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि दो लूप्स की वजह से अगर हम देखेंगे मैग्नेट फील्ड कैसे होता है, तो पहले आप सिंगल लूप की वजह से देखो। ठीक है, तो मान लिया एक सिंगल लूप है और कुछ ऐसे है, ये डॉटेड वाला पार्ट है वो अंदर वाला पार्ट है, ये सॉलिड वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट। ठीक है, और मान लिया करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, प्लेन से करंट निकल रहा है, फिर अंदर की तरफ जा रहा है और फिर अंदर करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम देखेंगे मैग्नेट फील्ड हुआ कैसे। ठीक है, तो आप ढंग से देखो, अगर आप यहां से देखोगे, यहां से ऑब्जर्व करोगे अगर इसको, तो आपको जो करंट दिखेगा वो क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बाहर वाला पार्ट है लूप का और ये डॉटेड वाला अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, ये प्लेन के स्क्रीन के बाहर वाला पार्ट है और स्क्रीन के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो अगर आप इधर से देख रहे हो, तो इधर से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, और जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, इनवर्स डायरेक्शन। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ होंगी, लूप के अंदर। ठीक है, एक सेंटर वाली स्ट्रेट निकलेगी, बाकी फिर ये कुछ इस तरह से निकलेंगी ये लूप की लाइंस। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा, अगर एक और लूप हो यहीं पर, एक और लूप मैं बनाऊँ अगर उसी की तरह से, एक और लूप है, ये सॉलिड वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, ये डॉटेड अंदर वाला पार्ट है, इसमें भी करंट ऐसी फ्लो हो रही है, ये करंट ऐसे जा रही है और ये करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहीं से आप देखोगे तो ये भी लूप कैसा दिखेगा आपको, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, उसमें इनवर्ट आ रहे, अंदर की तरफ जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जिसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी, ये लाइन कुछ ऐसे बैंड करती हुई जाएगी, ये लाइन कुछ ऐसे बैंड करती हुई जाएगी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पर देखो, आउटसाइड लूप,
यहाँ पे देखो ठीक है। तो इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बाहर की तरफ, लेकिन इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द लूप, दोनों लूप की जो रेंज है उससे जस्ट बाहर, ये जो मैग्नेट फील्ड है दोनों लूप्स के, वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अंदर देखेंगे इस पॉइंट पर, अगर देखो तो इस पॉइंट पर फर्स्ट फर्स्ट लूप की वजह से भी मैग्नेट फील्ड आगे की तरफ है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सेकंड लूप की वजह से भी कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेट फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों मैग्नेट फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन इस पे एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कब, जब ये लूप इतने दूर रखें, ठीक है, जब आप इन लूप्स को और पास रहोगे, क्लोज बाइंडिंग होगी, ठीक है। सोलेनोइड की जो बाइंडिंग है वो क्लोज है, क्लोज का मतलब लूप जो है वो एक दूसरे के बहुत पास है, पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, ऐसे हैं, ठीक है। तो ये जो जस्ट आउटसाइड वाला रीजन है, इस पे नेट मैग्नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इस रीजन में नेट मैग्नेट फील्ड कितना होगा, जीरो, ठीक है। इस रीजन में जो नेट मैग्नेट फील्ड होगा, या इस रीजन में जो नेट मैग्नेट फील्ड होगा यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेट फील्ड जीरो। अच्छा, एडअप कहाँ हो जाएगा, तो जो अंदर वाला रीजन है यहाँ पे मैग्नेट फील्ड लाइन्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, ठीक है। और अगर यहाँ से देखने पर आपको, यहाँ से देखने पर जो लूप्स हैं वो सारे क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, सब में क्लॉकवाइज, तो मैग्नेट फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो मैग्नेट फील्ड लाइन्स होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है। मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ, अगर आपको यहाँ से देखने पर लूप्स ऐसे दिख रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, लूप सारे कैसे हैं, ये क्लॉकवाइज लूप्स हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज अगर जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होंगी, ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे जाएंगी। और बाहर मैग्नेट फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी, बाहर मैग्नेट फील्ड कितना होगा, जीरो, क्लॉकवाइज। अगर अगर कैसा दिख रहा है ऑब्जर्वर, कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, क्लियर। तो क्लियर है ये आपको, इफ लूप्स आर टाइटली वाउंड, ये बहुत एक दूसरे के बहुत पास पास करके वाइंड किए गए हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द लूप्स, मैं जस्ट आउटसाइड द लूप्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जस्ट आउटसाइड द लूप्स इज कैंसिल्स आउट, ये इज अलग है यहाँ पे, कैंसिल्स आउट, एंड इनसाइड द लूप्स इट एड्स अप, ठीक है। और अंदर लूप के अंदर क्या हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो वो क्या होता जा रहा है, एडअप होता जा रहा है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कि आउटसाइड तो हमें पता लग गया आउटसाइड मैग्नेट फील्ड कितना है, जीरो। अब हम ये फाइंड करेंगे इनसाइड मैग्नेट फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इस ये जो लूप सोलेनॉइड बनाइए, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं, ठीक है, इसको कट करते हैं। तो जब आप इसको कट करोगे तो जो व्यू बनेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे करंट आएगी बाहर की तरफ निकल के, ऊपर वाले रीजन में करंट होगी बाहर की तरफ, और नीचे वाले रीजन में जो करंट जा रही होगी वो इन इन टू द प्लेन, इन टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जा रही होगी, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँ, देखो आप उसको ढंग से, इस पॉइंट से देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट से देखो क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रही है, और इस पॉइंट पर करंट कहाँ हो रही है, अंदर जा रही है। फिर इस पॉइंट से करंट बाहर आ रही है, इस पॉइंट से करंट कहाँ जा रही है, अंदर। इस पॉइंट से करंट बाहर आ रही है और इस पॉइंट से करंट कहाँ जा रही है, अंदर। तो ऊपर वाले पार्ट को अगर आप देखोगे, ऊपर वाले इस पार्ट को देखोगे, तो यहाँ से करंट ऐसा लगेगा जैसे बाहर आ रही हो, और अगर नीचे वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ से करंट ऐसा लगेगा जैसे करंट कहाँ जा रही हो, अंदर जा रही हो। तो वैसे ही मैं यहाँ पे लूप बना रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट से करंट बाहर की तरफ आ रही है और नीचे वाले पार्ट से करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो करंट आपको कैसे दिखेगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से दिखेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, स्ट्रेट बनाने की कोशिश की है, ये स्ट्रेट होंगी एकदम, ये क्या होंगी आपके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्लियर। और कुछ टर्म मान लेते हैं, एन, एन है आपका नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या है, एन ए नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और हर लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो वो कितनी मान ली है, आई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक एम्पियर लूप बनाएंगे, एक एम्पियर लूप बना रहे हैं, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो मैंने एक एम्पियर लूप बनाया, एक स्क्वायर शेप का एक लूप बनाया ऐसे, और इस लूप पे हम घूमेंगे और एम्पियर्स लॉ लगाएंगे कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ढंग से देखते जाना, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है आपका, म्यू नॉट इन टू करेंट पासिंग, करेंट थ्रेडिंग द लूप, आई नेट, ठीक है। उसको ढंग से देखते जाना है आपको, चार पार्ट्स में करते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और वापस ए, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम चार पार्ट्स में, एक ए से लेकर बी के लिए, बी डॉट डी एल,
प्लस फिर इसको सॉल्व करेंगे बी से लेकर सी के लिए, ई बी डॉट डी एल, फिर इसको इंडिकेट करेंगे सी से लेकर डी के लिए बी डॉट डी एल, और फिर इसको इंडिकेट करेंगे डी से लेकर वापस ए के लिए बी डॉट डी एल, ठीक है। और वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब जरा ढंग से देखो, ये मान ली एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर की साइड हमने कितनी मान ली, ए, ठीक है। ए क्या है, ए आपकी साइड ऑफ द स्क्वायर। ढंग से देखो, ए से बी के लिए देखो, तो ए से बी के लिए आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बी डॉट डी एल सिंपली क्या बन जाएगा, बी इंटू डी एल, और डी एल डी एल इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरी लेंथ ए से लेकर बी तक लेंथ, ये स्क्वायर है आपका, तो ए से लेकर बी तक लेंथ किसके बराबर होगी, ए के बराबर। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, बी इंटू ए, प्लस जरा बी से लेके सी के लिए देखो, बी से सी के लिए, तो आधे पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, और आधे पार्ट में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मूवमेंट के डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल पे है, और जब 90 डिग्री एंगल पे, तो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो। प्लस सी से लेकर डी के लिए, तो सी से लेकर डी के वाले रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर। अब डी से लेकर ए के लिए देखो, तो आधे पार्ट में फिर से मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, डी से इतने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, और इतने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी मूवमेंट के डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, तो वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट कितना पास होगा, तो एक लूप में से कितना करंट जा रहा है, आई। इसमें लूप्स कितने होंगे, ढंग से समझना, इसमें लूप्स कितने होंगे, यहाँ से कितने लूप्स क्रॉस करके आ रहे हैं, ये कितने कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन, और लेंथ आपके पास कितनी है, ए, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एन इंटू ए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको उसको देखना है, इस बॉक्स में से लूप में से कितने नंबर ऑफ टर्न्स पार करेंगे, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, ए, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ लूप्स हैं पर यूनिट लेंथ, तो ए लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, एन इंटू ए, और हर टर्न में कितनी करंट जा रही है, आई, तो नेट करंट कितनी हो जाएगी, एन इंटू ए इंटू आई। और ये पॉजिटिव होगी, क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि लूप आपने कैसा लिया, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लूप के लिए जो आउटवर्ड करंट होगी वो पॉजिटिव होगी, जो इनवर्ड करंट होगी वो निगेटिव होगी, ठीक है। तो बी कितना आ गया आपका, बी इनसाइड द सोलेनॉइड, तो ए से एक कैंसिल, और ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट एन आई। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई, और आउटसाइड कितना होता है, आउटसाइड, तो आउटसाइड होता है आपका जीरो। क्लियर। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें, कि अगर सोलेनॉइड के बीच में अगर आपसे पूछा जाएगा, सोलेनॉइड के मिड में, तो पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सोलेनॉइड के अंदर लॉन्ग सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आई क्या है, करंट इन वन लूप, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सोलेनॉइड के एंड पे कितना होगा, ये सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, और इसके एंड पे, यहाँ जब खत्म होगा ये सोलेनॉइड, यहाँ पूछा है कि सोलेनॉइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो आप देखो, अगर हम ऐसी एक और सोलेनॉइड यहाँ बना दें, एक और सोलेनॉइड दूसरी साइड से बना दें, तो ये हो जाएगी कंप्लीट सोलेनॉइड, और यहाँ पे सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो जो ये भी मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, ये आधा होगा इसकी वजह से और आधा होगा इसकी वजह से, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, आधी एक तरफ एक सोलेनॉइड है, दूसरी तरफ दूसरी सोलेनॉइड है, तो सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें आधा कंट्रीब्यूशन इस सोलेनॉइड का होगा और आधा कंट्रीब्यूशन इस सोलेनॉइड का होगा, ठीक है। तो एक सोलेनॉइड की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होता है म्यू नॉट एन आई सेंटर पे, और एंड पे कितना होता है, एज पे कितना होता है, फाइनल पॉइंट पे जहां पे एंड होता है वहां पे कितना होता है, तो वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मान लिया एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर कुछ चार्ज मान लिया है क्यू, कुछ चार्ज क्यू चार्ज है, और वो मूव कर रहा है, ठीक है। मान लिया इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी दी है वेक्टर वी, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैंने, स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं फील्ड लाइंस, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज दिया क्यू, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस पर कुछ फोर्स लगाता है, ठीक है। और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला समझ लेना आपको, तो वो होता है फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वी क्रॉस वी,
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, इस प्रूफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इस फोर्स का। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या है, क्यू टाइम्स वी क्रॉस वी। ठीक है, क्लियर। तो कुछ चीज़ें एकदम से क्लियर हो रही है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें तो वो कितना हो जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा। और थीटा किस किस के बीच में एंगल होगा, थीटा ये जो एंगल होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल। अगर हम यहाँ देखें तो ये इस डायरेक्शन में है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी है, तो ये जो एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। अब आप यहाँ से ढंग से देखो, फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाते जाएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा। फोर्स वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है, जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, और फोर्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फोर्स फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल, इनके बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है, यानी थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ढंग से देखना है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एंटी पैरेलल है, पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, या तो थीटा आपका कितना 0 डिग्री है या फिर थीटा कितना आपका 180 डिग्री है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 0, तो फोर्स कितना होगा 0। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना है आपको, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, दोनों केसेस में इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पर। क्लियर, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, बाकी सारी चीजें चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ कॉन्स्टेंट है, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा कितना होगा आपका पाई बाई टू। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, थीटा कितना होगा आपका पाई बाई टू, तब फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू वी वी, और वो फोर्स होगा मैक्सिमम फोर्स, जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो वेलोसिटी कहाँ होगी आपकी, इस तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, ये 90 डिग्री पे। ठीक है, तब फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, थर्ड पहला पॉइंट ये था, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको समझना है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वी क्रॉस वी की डायरेक्शन में, वी क्रॉस वी की डायरेक्शन का सीधा सा मतलब हुआ कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, एंड एट द सेम टाइम फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, एक और बेसिक पॉइंट मिस हो गया इसमें, फोर्थ पॉइंट कह देते हैं इसको, एकदम क्लियर है कि अगर पार्टिकल रेस्ट में, अगर जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है, यानी वेलोसिटी क्या है 0, तो उस पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली कितना हो जाएगा, फोर्स 0। ठीक है, अगर वी की वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर दोगे तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, उस पर कितना फोर्स लगाएगा वो 0। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, सिर्फ किस पर लगा रहा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। और मूवमेंट भी स्पेशल है, अगर मूवमेंट मैग्नेट फील्ड के पैरेलल या पर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो भी फोर्स कितना रहेगा, 0। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ड्राइव कर लेते हैं, तो फोर्स का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया आपका, क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर सब सारी सबकी यूनिट्स पुट करते हैं तो फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलाम्स, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और साइन थीटा तो यूनिट लेस होता है, और कूलाम्स पर सेकंड ये क्या होती है, करंट, तो ये आ गया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, और इसी का नया नाम क्या है, इसी को हम कहते हैं टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट आ गई वो कितनी आ गई, टेस्ला। क्लियर, और मैग्नेटिक फील्ड की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है गॉस, वन गॉस, GAUSS, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वन गॉस होता है वो 10^-4 टेस्ला होता है। ठीक है, जो वन गॉस होता है वो किसके बराबर होता है, 10^-4 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल दिया है, चार्ज दिया है उसका 3 कूलम, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो वेलोसिटी दी है आपको 4i cap + 3j cap, ये वेलोसिटी दी है। ठीक है, और किस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी दिया आपको 4i cap + 3j cap। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया और आपसे फोर्स पूछा गया है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू
वी क्रॉस वी, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वी क्रॉस वी की डायरेक्शन में सिर्फ तब तक रहेगी जब तक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। जैसे ही आपने चार्ज यहाँ पे निगेटिव पुट कर दिया, तो अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वी क्रॉस वी की डायरेक्शन ही क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस वी की डायरेक्शन सिर्फ तब तक रहेगी जब तक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। जैसे ही ये चार्ज निगेटिव पुट किया है आपने, तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी वी क्रॉस वी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको वी क्रॉस वी करना है, वी क्रॉस वी कैसे करोगे आप, वी क्रॉस वी डिटर्मिनेंट फॉर्म लगा देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, वी क्रॉस वी तो पहले वेलोसिटी तो 4 3, और ये के कैप 0 है, और ये भी कितना है 4 3, और ये कितना है 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, और जब पैरेलल होंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अभी नेट आंसर कितना आ जाएगा, 0 के कैप। क्लियर, एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि जो लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला आया, मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल वी की वेलोसिटी से कैपिटल वी के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू टाइम्स वी क्रॉस वी, ठीक है। और यहाँ से हमें ये भी समझ में आया कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, एंड एट द सेम टाइम जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्लियर, मैग्नेट फील्ड के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जब अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मान लिया अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मान लिया इस तरफ होगा, मान लिया ऐसे ही, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस तरफ होगी, ठीक है। यानी फोर्स हर मोमेंट पे वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी अगर इस तरफ होगी तो फोर्स की डायरेक्शन मान लिया इस तरफ होगी, ठीक है। क्लियर, तो अगर कोई पूछेगा वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, तो उसका वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्स हर पॉइंट पर वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का, 0। पावर डिलीवर्ड, तो पावर डिलीवर्ड का जो फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी। सिंस एफ और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पावर डिलीवर्ड बाई मैग्नेटिक फोर्स वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसको हम एक उसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, और फिर देखेंगे उसका मोशन जो है, उसका मूवमेंट है, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है, उसका पाथ कैसा होता है, कैसे मूव करता है, वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती है, डायरेक्शन चेंज करता है या नहीं करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट केस बहुत सिंपल केस लेते हैं, जब इस केस में क्या है, जो वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की वो पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, या तो पैरेलल होगी और या फिर क्या हो सकती है, एंटी पैरेलल। इसका मतलब या तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा, या फिर थीटा कितना होगा आपका 180 डिग्री, या तो पार्टिकल को हम रिलीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में इस तरह से कुछ, या फिर पार्टिकल को रिलीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ ऐसे इस तरफ, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम पैरेलल या एंटी पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में छोड़ेंगे पार्टिकल को वेलोसिटी देके, ठीक है, तो दोनों केसेस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0। इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, और जब फोर्स 0 होगा तो पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए चलता चला जाएगा। यानी ये वाला पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में सीधे मूव करता चला जाएगा, और ये वाला पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में सीधे मूव करता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा होगा आपका, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, अब जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो मैग्नेट फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो मैंने मैग्नेट फील्ड बनाया, यानी मैग्नेट फील्ड जो है वो प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड द प्लेन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज है, और इस तरह से इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं उसको वी। क्लियर, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेट फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैग्नेट फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी जो है वो मैग्नेट फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मोशन कैसा होगा, तो पहले फोर्स देखते हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, और फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, तो जब दोनों बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, वो कितना होता है, क्यू वी वी। और ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, एट द सेम टाइम फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो जब आप वी क्रॉस वी करोगे,
अगर आपको वी क्रॉस वी करना आता है, पहले फिंगर्स रखते हैं वी की डायरेक्शन में, फिर उनको कर्ल करते हैं माइंड फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो आउट स्टेज थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा, तो वो डेफिनेटली जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। वी क्रॉस वी अगर आप करना जानते हो तो आप करके देखो इसको, वी क्रॉस वी करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, क्लियर? तो अब इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वो एक सर्कुलर मोशन होगा। ढंग से समझना, ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और हमेशा परपेंडिकुलर रहना रहेगा वो, तो ये जो फोर्स है वो इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये फोर्स कैसे बिहेव करेगा, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कैसे बिहेव करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। ठीक है, तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंस ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इस मोशन के लिए वो क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और ये पार्टिकल कैसे घूम जाएगा, सर्किल में। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा पार्टिकल मूव करता हुआ, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स डेफिनेटली कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। जब वो पार्टिकल इस तरफ आएगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, सिंस वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा, जीरो। जब वर्क डन जीरो होगा तो इसका मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी कितना होगा, जीरो। यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब वेलोसिटी की सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रही है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, और ये घूमेगा तो मान ली, अगर मान लिया आर रेडियस में घूम रहा है, कितनी रेडियस में घूम रहा है, ये आर रेडियस में, तो आर फाइंड करते हैं, आर कितना होगा, तो कंसेप्ट बहुत आसान है। ये जो एफ फोर्स है वो एम मास, मान लिया इस पार्टिकल का मास कितना एम, एम मास के पार्टिकल को नेसरी सेंट्रिपिटल एसलेशन देगा, तो वो कितना होगा, वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, ये जो एफ मैग्नेटिक फोर्स है वो एम मास के चार्ज पार्टिकल को सेंट्रिपिटल एसलेशन प्रोवाइड कर रहा है, और सेंट्रिपिटल एसलेशन कितना होता है, वी स्क्वायर ओवर आर। एफ की वैल्यू कितनी है, तो एफ है आपका क्यू वी वी इज इक्वल टू एम टाइम्स वी स्क्वायर ओवर आर, तो एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितनी, रेडियस में घूमेगा, तो वो रेडियस आ गई आपकी एम वी ओवर क्यू वी। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी, एम वी ओवर क्यू वी। क्लियर? टाइम कितना लगेगा इसको, एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो होगा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, तो वो है टू पाई आर ओवर कितनी स्पीड, कैपिटल आर, टू पाई आर, सॉरी टू पाई कैपिटल आर, और कितनी स्पीड से घूम रहा है, तो वी की स्पीड से घूम रहा है। ये आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो टू पाई कैपिटल आर कितना है, एम वी ओवर क्यू वी डिवाइडेड बाई वी, तो वी से वी कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टू पाई एम ओवर क्यू बी, इतना टाइम लगेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पार्टिकल चाहे धीमे घुमाया या तेज घुमाया, ये वेलोसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं डिपेंड कर रहा, तो वो आप ढंग से समझो, इस रिलेशन को ढंग से देखो, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, रेडियस। ठीक है, यानी अगर आप धीमे छोड़ोगे तो छोटे से रेडियस में घूम जाएगा ये, अगर आप इसको ज्यादा तेज स्पीड देगे छोड़ोगे तो ये बड़े रेडियस में घूमेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे तो क्या बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। लेकिन वेलोसिटी और रेडियस का ये जो रेशियो है, रेडियस और वेलोसिटी का ये जो रेशियो है, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वो है कितना, वो है एम ओवर क्यू वी। ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट। कम वेलोसिटी छोटा पाथ, ज्यादा वेलोसिटी बड़ा पाथ, लेकिन ओवरऑल टाइम दोनों केसेस में क्या लगेगा, सेम। क्लियर?